दिन भर के सारे शोरोग का लबो क्या है मूल बात कही जा रही है विपक्ष के बड़े नेताओं के द्वारा अखिलेश जी हो प्रियंका जी हो मायावती जी हो कि राज खुलने से रह गए बिल्कुल और वो राज इतने बड़े थे कि वो खुलते तो सियासत में भूचाल आ जाता मेरी चर्चा का आज ये विषय रहेगा कि पिछले 30-35 वर्षों में इससे ज्यादा दूर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर इतना ही याद रह पाता है जितना देखा फिर बाकी तो पढ़ी पढ़ाई बातें तीस पैंतीस वर्षों में उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े बाहुबली जो अभी हैं इस दौर में वो कभी ना कभी लंबे लंबे समय तक पुलिस और जांच एजेंसियों के इंट्रोगेशन में रहे चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो चाहे बद्दो हो चाहे सुशील मूछ हो चाहे कोई हो ब्रजेश सिंह हो ब्रह्मा यादव हो राकेश यादव हो किसी को ले लीजिए और कोई सरकार रही हो मैं आज इस पैनल में ये जानने की कोशिश करूंगा कि मुझे एक इंट्रोगेशन बता दीजिए जिसने उत्तर प्रदेश के दस बड़े राजनेताओं में से किसी का नाम लिया हो अपराधी ने एक इंट्रोगेशन बता दीजिए जिसमें यह बात साधवी ने कही हो कि ये उत्तर प्रदेश के दस बड़े लिस्ट फाइनेंस करते थे अपराधियों को मुझे एक इंट्रोगेशन बता दीजिए जितने लोगों के मैंने नाम लिए जो ये कहे कहा हो कि ये टॉप टेन ब्यूरोक्रेट्स हमारे नेक्सस में शामिल थे मैं सिपाही दरोगा होमगार्ड जिला पंचायत मेंबर प्रधान ब्लॉक प्रमुख इनकी बात नहीं कर रहा ये तो थोक में घूम रहे हैं चाहे जिसका नाम चाहे जो ले दो उससे ना देश हिलता है ना प्रदेश हिलता है ना जिला हिलता है और शहर भी नहीं हिलता सच्ची बात यह है दरोगा का नाम आ जाएगा बर्खास्त हो जाएगा सस्पेंड हो जाएगा जेल चला जाएगा बात खत्म हो गई उससे तीन लाख की फोर्स थोड़ी हिल जाएगी क्या किसी ने नाम लिया उत्तर है नहीं 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 फिर ये बात क्यों के ये यही खोलता राज क्यों भाई ये रोटी नहीं खाता था ये बद्दू से सुशील मूछ से ब्रजेश से कम समझदार था क्या इसके किसी पूर्वज ने कभी नाम लिया क्या किसी बड़े का बड़ों का नाम लेने के लिए नहीं होता वो गुपचुप गुपचुप वाला नाम होता है कोड वर्ड में बात होती है ये जानते नहीं क्या उनका नाम भी नहीं लिया कभी बदमाश ने जिसने बाद में उनको टिकट दे दी वो तो संपर्क में रहे होंगे जिन्होंने टिकट दी कभी लिया नाम ये ले देता बोले क्यों बोले इसने एक बार होम्योपैथिक दवा ऐसी खा ली थी कि इसके दिमाग पर असर हो गया ऐसा था क्या नहीं ना अच्छा जो लोग एनकाउंटर से बच गए बड़े लोग सबको नाम मालूम है उनके बचने के बाद क्या वो लोग सुधरे उत्तर है नहीं नहीं कतई नहीं क्या उनका कारोबार सिमटा उत्तर है नहीं नहीं कतई नहीं पहले पांच जिले में राजा थे फिर पच्चीस जिले में राजा हो गए फिर अंतर्राज्यीय कारोबार हो गया उत्तर प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिनका अंतर्राज्यीय कारोबार है अपराध का अंतर्राज्यीय उनके गिरोह के द्वारा मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता गया लगातार वो राजनीति में आ गया तब भी ये धंधा चालू रहा क्योंकि मूल पेशा है मूल पेशा कोई छोड़ता नहीं किसान मंत्री भी हो जाता है तो भी बटाई पे खेती कराता रहता है वैसे अपराधी मंत्री भी हो जाए संतरी भी हो जाए विधायक एमपी हो जाए तब भी अपने अपराध की खेती बंद नहीं करता पट्टेदारी कराता रहता है भाई छोटा मोटा करते रहो हाथ सब सपरवा करते रहो तो जब वो नहीं सुधरे तो ये कैसे सुधर जाएगा तीसरी बात पैमाना क्या होगा पैमाना लोकतंत्र में यह हो सकता है कि जनता किसी की मृत्यु पर कैसे रिएक्ट कर रही है गांधी जी मरे पंडित जी मरे लोहिया जी मरे जयप्रकाश बाबू नहीं रहे सैकड़ों नाम मैं ले सकता हूं हमने देखा इस देश ने कैसे रिएक्ट किया इंदिरा जी नहीं रही देश को हमने देखा देश में कैसा एक अवसाद छाया था कैसा उसके प्रतिफल हुआ जयललिता को देखा एमजीआर को देखा वाजपेयी जी को देखा इनको भी देखा लड्डू बांटे बिकरू में नहीं ललन वाजपेयी नहीं, नहीं बनारस में लड्डू बटे जहां कभी उसका कोई कारोबार रहा नहीं विकास का वहां भी लड्डू बटे क्यों इलाहाबाद में बटे क्यों इलाहाबाद तो चौबेपुर में है नहीं ये जनता जो लड्डू बांट रही है ना सपा की है ना बसपा की ना भाजपा की न बजरंग दल की न दल की न कांग्रेस की ये उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र है और मैंने तो बड़ों से यही सुना कि लोकतंत्र में सबसे न्याय की आवाज सबसे बड़ी आवाज लोक की है न नेता की न अभिनेता की न पत्रकार की न बाबू की न चपरासी की न मंत्री की न संतरी की जनता जो बोले वही सच है कल्याण सिंह कहा करते थे कि जनता की आवाज खुदा की आवाज परमात्मा की आवाज ये क्यों मुक्ति पर्व मन रहा है इस मुक्ति पर्व को किसी ने प्रायोजित किया क्या और प्रायोजित करेगा तो विक्रू में करेगा प्रदेश भर में क्यों हो रहा है एक एनकाउंटर तेलंगाना में हुआ था याद होगा मेरे मित्रों को एक युवा युवती को जला के ध्वस्ती भूत कर दिया था कमीनों ने कोई सूबा ऐसा नहीं बचा था देश का जहां मिठाई नहीं बटी हो जहां देसी घी का दीपक नहीं जला, लाख मुकदमा चलता रहे क्या फर्क पड़ता है एजेंसियां निपटेंगी सुलझेंगी मैं तो भारत की आवाज सुनूंगा और आखिरी बात जिस पर मैं डिबेट केंद्रित रखूंगा हमको यह तय करना होगा हम सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों को, को सम्मान देना कब सीखेंगे कश्मीर में सैनिक मारा जाए कोई दिक्कत नहीं गलती से एक सिविलियन को गोली लग जाए या कि एक आतंकी को भी गोली लग जाए तो उसके जनाजे में छाती पीटते हुए बीस हजार लोग क्यों भाई अपराधी का आतंकवादी का मानवाधिकार है सुरक्षा बलों का नहीं सामान्य लोगों का नहीं कानपुर के परिक्षेत्र में जितने लोग मारे गए विकास के द्वारा उन लोगों का उनके परिवारों का कोई मानवाधिकार नहीं आठ लोग शहीद हो गए पुलिस के उनका कोई मानवाधिकार नहीं यह सवाल तो खड़ा होगा और एक आखिरी बात जिस पर मैं बहस चाहूंगा यह तय करना होगा इंडिविजुअल क्राइम मेरी बात दीपक मिश्रा जी बेहतर समझ रहे होंगे इंडिविजुअल क्राइम भी क्राइम है लेकिन वह कम जघन्य है एक्स ने वाई को मारा ये लेकिन जब आप पुलिस को मारते हैं तो आप राज्य के विरुद्ध युद्ध करते हैं राज्य के वॉर अगेंस्ट स्टेट पुलिस किसी भी राज्य की राजसत्ता का प्रतीक है भले वो होमगार्ड हो या डीजीपी हो कोई राज्य सत्ता के इकबाल को चुनौती दे ये नहीं चलेगा